अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ कुशन की स्टिचिंग करना और साथ में एक बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन जो कि आप थंबनेल में देख चुके हैं। फ्रेंड्स, कुशन की जो अपर साइड होती है, फ्रंट साइड होती है, वो स्मॉल होती है और उससे आप 4 इंचेस ज़्यादा रखते हैं बैक साइड ऑफ द कुशन। सो द फ्रंट साइड ऑफ द कुशन इज़ अ बिट स्मॉलर देन द बैक साइड ऑफ द कुशन। प्लीज़ प्लेस द कुशन ऑन द क्लॉथ एंड कट अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट। अब फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको फ्रंट साइड बताई है एज इट्स अ बिट स्मॉलर, सो इट्स 15 and 15। इफ़ यू सी द बैक साइड ऑफ द कवर कुशन, एज़ यू कैन सी कि ये थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि हम इसको फोल्ड करेंगे। तो ये 19 आ गया, इट्स अबाउट 19 and 15। सो 4 इंचेस आर मोर एडेड इन द बैक साइड ऑफ द कवर कुशन कवर। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेकोरेशन मैं करूँगी, जो मैं अरेंजमेंट करूँगी इसके ऊपर, इस तरह देखें, हम इस तरह करके इसको यहाँ से फोल्ड करके हमने फिर इसको स्टिच करना होगा, ठीक है। ये इस तरह आपका अब आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ, इट्स अ फ्रंट साइड ऑफ द कुशन। फर्स्ट फोल्ड इट एंड सी दैट वेयर इट्स द मिडल मेन पॉइंट आपने देखना है कि कौन सा है। सो फ्रेंड्स, आप कोई सी भी चीज़ ले सकते हैं, जिस तरह आप ये ले लें, ठीक है, एक प्लेट ले सकते हैं, कोई भी चीज़ आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं, टेक अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस। नाउ फ्रेंड्स, ये जो कपड़ा होता है, ये इसको हम फेल्ट करते हैं, ठीक है। ये फेल्ट फैब्रिक है, दिस इज़ अ फेल्ट फैब्रिक। यू कैन बाय इट ऑनलाइन एंड यू कैन ऑल्सो बाय इट फ्रॉम द मार्केट। इट्स अ फेल्ट फैब्रिक। जब आप दुकानदार को फेल्ट फैब्रिक बोलेंगे तो उसको समझ आ जाएगी। आपने फेल्ट फैब्रिक से मोस्टली जो कुशन्स डेकोरेट आपने देखे होंगे वो फेल्ट से किए जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा कपड़ा होता है जो थोड़ा हार्ड होता है और बहुत इजीली जो है इसकी आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। सो मैं जो हूँ आज जो डिज़ाइन बना रही हूँ वो लीव्स का बना रही हूँ। सो यू कैन मेक एनी डिज़ाइन आउट ऑफ दिस फेल्ट। यू हैव सीन मैनी कुशन्स एंड डेकोरेटेड कुशन्स, सो मोस्टली द fabric which they use is actually the felt fabric. So मैंने बहुत से different colors के मंगवाए हैं, आप same color के भी मंगवा सकते हैं। You can use any color and any contrast. So आपने इस तरह glue gun से बहुत easily लगा देना। एक तो ये चिपक बहुत easily जाते हैं और दूसरा ये प्यारे बहुत लगते हैं। इसी तरह आप rose भी बना सकते हैं। बहुत से designs हैं जो कि आप बना सकते हैं। इस तरह फ्रेंड्स मैं इसको कवर कर दूंगी। अब मैंने इसमें 3 लाइंस इसी तरह लगानी है, जिस तरह मैं इसको एक पूरा जो है वो गोल दायरे में बना दूंगी, ठीक है, सर्कल में। देन आई विल मेक 2 more circles। नाउ फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये देखें मैंने इनकी 2 और लाइंस भी बना ली हैं, थोड़ा बाहर बाहर निकाल दिया है, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ टू स्टिच इट ऑन द अपर साइड so that to make it fixed on the cushion. So इस तरह मैं एक सिलाई लगा दूंगी ताकि ये पक्का हो जाए। और ये जो लीव्स हैं, जो दरमियान वाले लीव्स हैं, उनको मैंने बिठाने के लिए I just wanted to press the leaves, so I'm stitching it on the upper side, especially in the middle row of the leaves, so they will stay on their place. As you see, it's all ready. नाउ अब बैक साइड को हम स्टिच कर लेते हैं। दिस इज़ द बैक साइड। मैंने दरमियान से काट लिया, ठीक है, हाफ आपने बीच से काट लेना है। नाउ स्टिच इट लाइक दिस। यू हैव टू कट द बैक साइड इन द मिडल। इस तरह आपने दोनों तैयार कर लेने हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। बहुत ईजीली हम इसको स्टिच कर सकते हैं। 2 तरीके होते हैं, 3-4 तरीके होते हैं, तो ये भी एक वे होती है कि हाउ टू स्टिच द कुशन। सो ये हम बैक साइड बना रहे हैं। दूसरे को भी मैं इस तरह जो है फोल्ड करके थोड़ा सा प्रेस कर लूँ, वो स्टिच कर लूँगी। सॉरी, आई एम यूजिंग अ बिट रॉन्ग वर्ड्स। ये वीडियो बहुत जल्दी में बनाई गई है और मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों के लिए हर दिन अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आऊँ, लेकिन टाइम की वजह से हम आपकी कुछ रिक्वेस्ट को अभी पूरा नहीं कर पा रहे। तो विद टाइम हम आपके लिए और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आते रहेंगे। नाउ फ्रेंड्स, अब आपने ये देखें जिस तरह मैं कुशन रख रही हूँ, दिस इज़ हाउ यू हैव टू स्टिच इट फ्रॉम द 4 साइड्स। ये फ्रेंड्स हमने फोर साइड से स्टिच कर लिया है. आई स्टिच इट फ्रॉम द फोर साइड्स एंड नाउ आई विल make a cushion. Just take the cushion, put it inside this cover. It's all ready. It looks so beautiful as you see. इसको आप और कपड़ों वगैरह के साथ भी फिल कर सकते हैं, पॉलिएस्टर के साथ भी फिल कर सकते हैं. अगर आपके पास बना बनाया कुशन है तो आप उसके साथ फिल कर लें. It's all ready now. It's looks so beautiful and so neat and बहुत fine look आई है. Now what I'm going to do is to make some to give it a more beautiful look, I am using some beads. They will look so beautiful. Friends, इस तरह remember felt कहते हैं इस कपड़े को. ये आप ले सकते हैं और इसके बहुत से designs बना के आप cushion पे लगा सकते हैं. The fabric I use and make leaves is a felt fabric. You can easily buy it from the market. And I hope you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe. एंड रिमेंबर फ्रेंड्स, आपके लिए और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं. हम अब जल्द भी आपको बेडशीट बना के सिखाएंगे, एलईडी का कवर भी बनाना सिखाएंगे, हम आपको मशीन का कवर भी सिखाएंगे, बैग्स बनाना सिखाएंगे. जिस तरह की भी आपकी रिक्वेस्ट है हम आपको बनाना सिखाएंगे, बट उसके लिए आपको हमारे साथ रहना होगा. सो प्लीज़ स्टे ट्यून विद अस एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अल्लाह हाफिज़.